नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज त्यागी। बात करते हैं खबरों की। खबर आ रही है शामली से। शामली में कल एक लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे लुटेरों की सूचना मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी की। नाकाबंदी के बाद जिस टाइम उन लोगों को रोका गया, उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए जवाब दिया। उसमें एक अपराधी घायल हो गया और एक अपराधी उसमें भागने में सफल रहा, फरार हो गया। इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया गोली लगने से। देखिए रिपोर्ट। मामला जनपद शामली के थाना कांतला क्षेत्र के गंगेरू रोड का है। यहाँ पर दो बदमाशों ने एक युवक से उसकी बाइक और हजारों रुपए की नकदी लूट ली। लूट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने खुद को घेरा देखकर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू की। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी और एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से लूटी गई बाइक, पिस्टल के साथ भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए। वहीं घायल बदमाश का एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। घायल बदमाश और घायल सिपाही आशीष को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां पर दोनों का उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस फरार हुए बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है। गंगेरू रोड पे संदीप नाम का आदमी अपनी बाइक पल्सर से गंगेरू से कांधला आ रहा था करीब 8:30 बजे जी। ये गंगेरू से करीब 2 किलोमीटर निकलने के बाद में दो बदमाशों ने उसकी बाइक लूट ली और 22,000 रुपये लूट लिए। बदमाश पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार थे। सूचना मिली डायल 100 को। सूचना के आधार पर चारों तरफ का फोर्स और मैं स्वयं मौके पर पहुँचा तो बदमाशों को गढ़ी दौलत के जंगल में तलाश करते करते घेर लिया। वहाँ बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश वो मौके पर पुलिस की गोली से इनकाउंटर में घायल हो गए और बदमाशों की गोली से सिपाही आशीष जी जो थाना काम लगा है वो घायल हो। शामली से रवि जागलान की रिपोर्ट। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।